मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है घमंडी लहंगो के पेड़ की। तो आइए दोस्तों कहानी देखते हैं। किसी समुद्र के टापू पर एक जादुई पेड़ हुआ करता था जिस पर बहुत सारे लहंगे लगे हुए थे, लेकिन वो जादुई पेड़ बहुत घमंडी था। वो अपने लहंगे किसी को तोड़ने नहीं देता था। जब भी कोई अपनी नाव से उस जादुई पेड़ तक जाने की कोशिश करता था तो वो जादुई पेड़ अपनी शक्ति से उसे जला देता था। वहीं समुद्र के किनारे एक गांव था। उस गांव के लोग बहुत गरीब थे। वे लोग सारा दिन खेतों में काम करते थे, लेकिन उनके खेतों में बहुत कम फसल होती थी। लेकिन धीरे धीरे उन खेतों में थोड़ी सी फसल आनी भी बंद हो जाती है। उस गांव के लोगों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, साथ ही उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं थे। वे सभी फटे पुराने गंदे कपड़े पहनकर अपना जैसे तैसे गुजारा करते थे। फिर एक दिन, हम लोग खेतों में सारा दिन मेहनत करके फसल उगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे खेत में फसल ही नहीं होती। अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो हम सभी एक दिन बेमौत मारे जाएंगे। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो, लेकिन इस गरीबी से बाहर निकलने का हमारे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और उनसे कहती है, अरे सुनो, हमारे गांव के पास वाले जंगल में एक बहुत बड़ी जादूगरनी आई है। वो जादूगरनी बहुत नेक और सबके मदद करने वाली है। चलो उससे जाकर हम भी मदद मांगते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे गांव की गरीबी खत्म करने में वो हमारी सहायता जरूर करेगी। फिर वो तीनों जादूगरनी के पास पहुंच जाती हैं। जादूगरनी आंटी, हम सब बहुत गरीब लड़कियां हैं। हमारे गांव में किसी के पास भी पेट भर खाना नहीं है। मैं एक जादूगरनी हूँ बेटी, लेकिन मैं अपनी शक्ति से अनाज प्रकट नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय जरूर बता सकती हूँ जिससे तुम्हारी गांव की गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। ठीक है जादूगरनी आंटी, आप हमें उपाय बताइए। सामने वाले समुद्र के बीच एक टापू है जहाँ एक जादुई पेड़ है जिसमें बहुत सारे लहंगे लगे हुए हैं। तुम्हें उस पेड़ से 10 लहंगे लाने होंगे और उसके बाद गांव की 10 लड़कियों को वो लहंगा पहनाकर गांव के बीचों बीच डांस कराना होगा। ऐसा करने से तुम्हारे गांव में सोने के सिक्कों की बारिश होगी। जादूगरनी की बात सुनकर तीनों लड़कियां खुश हो जाती हैं और नाव पर बैठकर उस टापू की खोज में निकल जाती है। इतनी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें एक बहुत बड़ा टापू दिखाई देता है। लगता है ये वही टापू है जिसके बारे में जादूगरनी ने बताया था। चलो चलते हैं। फिर वो तीनों अपनी नाव किनारे पर खड़ी करके टापू पर जाते हैं और उन्हें वहाँ एक पेड़ दिखाई देता है। लेकिन तभी वो लहंगे का पेड़ उन्हें चेतावनी देते हुए कहता है, अगर तुम तीनों ने टापू पर आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे ये क्या, ये पेड़ तो हमें धमकी दे रहा है और वो भी जान से मारने की। सुनो जादुई पेड़, पहले हमारी बात सुन लो। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम अपने पेड़ से हमें बस 10 लहंगे दे दो, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें एक भी लहंगा नहीं दूंगा। ऐसा मत कहो पेड़, मुसीबत के समय किसी की मदद करना बहुत पुण्य का काम होता है। मैंने तुम जैसे भिखारियों की मदद करने का ठेका नहीं ले रखा। मैं अपने जादुई लहंगे सिर्फ खूबसूरत परियों को ही देता हूँ, तुम जैसे बदसूरत लड़कियों को नहीं। मुझे यह बर्दाश्त नहीं होगा कि तुम जैसी बदसूरत लड़कियां मेरे लहंगों को पहने। चलो निकल जाओ यहाँ से। जादुई पेड़ की बातें सुनकर वो तीनों लड़कियां उदास हो जाती है। तभी अचानक उस टापू पर मौजूद ज्वालामुखी फट जाता है। चारों तरफ बड़े बड़े आग के गोले गिरने लगते हैं। ये देखकर तीनों लड़कियां घबरा जाती है। अरे नहीं, इस टापू का ज्वालामुखी फट गया। हमें फौरन यहाँ से जाना चाहिए, वरना ये आग के गोले हमें जलाकर मार डालेंगे। चलो चलते हैं यहाँ से।
दूसरी तरफ जादुई पेड़ भी आग के गोले से घबरा जाता है। अरे यह क्या हुआ, अगर एक भी आग के गोले मुझे लग गए तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा। मुझे इन तीनों लड़कियों से मदद मांगनी होगी। सुनो लड़कियों, तुम मुझे अपने साथ उड़ाकर ले चलो, वरना मैं जलकर राख हो जाऊंगा। ठीक है, तुम चिंता मत करो पेड़, हम तीनों तुम्हें बचा लेंगे। फिर वो तीनों लड़कियां जादुई पेड़ को उखाड़ने की कोशिश करने लगती है। काफी देर तक मेहनत करने के बाद आखिरकार वो तीनों पेड़ को उखाड़ने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद वो तीनों पेड़ को अपने नाव पर रख देती है और नाव चलाते हुए समुद्र के किनारे जाती है। मेरी जान बचाने के लिए तुम तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। तुम जितना चाहो उतने जादुई लहंगे ले सकती हो। ये सुनकर तीनों लड़कियां बहुत खुश होती है। उसके बाद वो तीनों लड़कियां उस पेड़ को अपने गांव लेकर जाती है और उसे एक अच्छी सी जगह में लगा देती है। उसके बाद तीनों लड़कियां पेड़ से 10 लहंगे तोड़ लेती है। गांव की 10 लड़कियां और 10 लहंगे को पहनकर डांस करने लगती है। तभी थोड़ी देर में आसमान में सुनहरे बादल आ जाते हैं और गांव में सोने के सिक्कों की बारिश होने लगती है। ये देखकर सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं। उसके बाद सभी उन सोने के सिक्कों को बेचकर अपना गुजारा करने लगते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और गांव के सभी लोग हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।